एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज है हमारा कश्मीर में फाइनल डे और हम आ गए अपने खेत में। यहाँ पे हम थोड़े आलू निकालेंगे और जम्मू साथ ले जाएंगे। सो गाइस आप भी देखिए हमारे घर के आलू। सो गाइस बड़ी मम्मा और बड़े पापा यहाँ पे ना आलू निकालने लग गए हैं और जुलाई के मंथ तक ना ये आलू पूरे पक्के रेडी हो जाते हैं। गाइस इन घर के आलूओं का ना बहुत ही ज़्यादा अलग टेस्ट होता है, अच्छा टेस्ट होता है गाइस। और जब इनके हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और जम्मू में कभी हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाते हैं, क्रिस्पनेस कोई नहीं रहती है उनमें गाइस। और ये देखिए तिजोरी का खजाना खुल चुका है और इससे बड़ा खजाना क्या ही हो सकता है। काफ़ी दिनों से ना यहाँ कश्मीर में भी कोई बारिश नहीं आ रही है गाइस, कड़ाके की धूप पड़ रही है अभी आप देख सकते हैं और हमारा बुरा हाल हो चुका है अभी यहाँ पे। काफ़ी आलू तो हमने निकाल लिए हैं गाइस, अब चलते हैं टमाटरों के पास, थोड़े बहुत टमाटर वगैरह भी निकाल लेते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे आलू टमाटर, अब चलते हैं छोटी सी नदी पे और ये देखिए कितना साफ पानी है और ठंडा ठंडा पानी है एकदम। कश्मीर की यही खास बात है गाइस कि टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो नदियों का जो पानी है वो ठंडा ठंडा ही रहता है। तो फ्रेंड्स आलू हमने निकाल लिए हैं और गर्मी ना बहुत ही ज्यादा है। देखिए यहाँ पे ब्रूनो भी बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ। तो भाई अभी ये दोनों ना आराम कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रूनो और उसका बेबी। ब्रूनो की हालत बड़ी खराब हो गई है गाइज, इसको पता नहीं क्या हो गया, स्किन इसकी पूरी खराब हो चुकी है। पुचू नो पुचू नो पुचू हम जा रहे हैं कल पुचू, मुझे आपकी याद आई पुचू। तो गाइज यहाँ पे ब्रूनो अपने बच्चों को फीड कर रही है, चलते हम घर की तरफ। बाय ब्रूनो। सो गाइज हम घर पहुंच गए हैं और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि खाने में क्या बना हुआ है। तो गाइज दिन के लंच में हमने बनाया है कड़म, हमारी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है मोंजहाग जो कि कश्मीरियों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है गाइज। और साथ में हमने बनाया है पोटैटो चिप्स, घर के आलू हैं इसलिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हैं। और गाइज सैलेड में हम खाएंगे अपना प्यारा सा खीरा जो हमने अपने किचन गार्डन से निकाल लिया है। अब हम लेंगे अपने घर के स्वादिष्ट लंच का मजा जिसमें है देसी चावल, हाक मुंज और पोटैटो चिप्स। गाइज आप इसको देखिए कैसी आवाजें निकाल रहा है, अजीबो गरीब। ऐसा लग रहा है गाइज कि उल्लू आवाजें निकाल रहा है। तो चलते हैं बाहर और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन गार्डन में क्या लगा है। तो सबसे पहले देखिए छुटकू सा बैंगन है, इसके साथ में लगा हुआ है कड़म। कड़म नहीं खा सकते हैं बिकॉज इसके पत्तों में ना होल्स हो चुके हैं, सो ये खाने के लायक नहीं है गाइज। तो गाइज खाने के लिए थोड़े पीचेस वगैरह निकाल लेते हैं। शाम के बज रहे हैं 5। सो गाइज अब हम बना रहे हैं यहाँ पे नमक वाली चाय जिसको कश्मीरी में बोला जाता है नून चाय। यहाँ कश्मीर में ना खाने पीने का मजा आ जाता है गाइज, सुकून मिलता है। जम्मू में तो सुकून के नाम पे एस भी नहीं मिलता है गाइज। चाय पीने के बाद गाइज यहाँ पे बड़ी मम्मा बना रहे हैं शाम का डिनर जिसमें वो बना रहे हैं चिकन। सो गाइज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये चिकन बना के जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक पतीला, उसमें हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल गाइज, और उसके बाद चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। उसके बाद एड कर देंगे थोड़ा लहसुन, 10 मिनट्स के बाद हम इसमें एड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे गाइस। और अब इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अनियन, फाइव मिनट्स के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर के 2 चम्मच गाइस, और आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर का, और 1 चुटकी जिंजर पाउडर की, 2 टेबल स्पून सौंफ पाउडर के। अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हमारे, अब हम ऐड करेंगे 1 कप पानी का और इसको 10 मिनट्स तक कुक होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। तो गाइज लीजिए हमारा मसालेदार चिकन है रेडी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। तो कल हम जा रहे हैं जम्मू वापस और यहाँ पे तो लास्ट टाइम हमने मैगी बनाई थी। और गाइज यहाँ के पेड़ नदियों की किसको याद नहीं आएगी, और सबसे ज्यादा मुझे इस गार्डन की याद आएगी। तो गाइज हम ना अब नेक्स्ट ईयर ही कश्मीर आएंगे और आई होप आप सबने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरी चैनल को। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।